हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विश्वविद्यालय के NSUI ने किया प्रदर्शन, सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने की मांग। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा लिए अगली कक्षा में प्रमोट करने की मांग को लेकर बुधवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। NSUI के जिला अध्यक्ष दिनेश परिहार ने बताया कि पूरे देश में कोरोना महामारी फैल चुकी है, जोधपुर में भी इसने विस्तार रूप ले लिया है। लॉकडाउन के कारण पिछले लंबे समय से जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय बंद था, इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हुई, कई परीक्षाएं भी नहीं हुई। अब लॉकडाउन में छूट मिलने पर विश्वविद्यालय प्रशासन सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट कर रहा है तथा 2 महीने बाद उनकी परीक्षा ली जाएगी। यदि वे परीक्षा में फेल हो गए तो उन्हें वापस पुरानी कक्षा में बैठना पड़ेगा। NSUI ने ये परीक्षाएं रद्द करने की मांग की है। NSUI ने बिना परीक्षा लिए सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने की मांग की है। इस मांग को लेकर आज विश्वविद्यालय के केंद्र कार्यालय के बाहर नारेबाजी का प्रदर्शन किया गया, साथ ही अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन के दौरान संगठन के पदाधिकारी व अन्य विद्यार्थी उपस्थित थे। पूरे इंडिया में NSUI भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने पूरे हर विश्वविद्यालय हर महाविद्यालयों पर प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय का विषय को ज्ञापन दिया है कि आने वाले समय में जो छात्र जो परीक्षा वाले हैं जो टाइम है उसका प्रमोट करने के लिए हम विश्वविद्यालय विश्व को आज ज्ञापन दिया। जिस तरीके से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को ये प्रमोट कर रहे हैं और 2 महीने बाद में एग्जाम करेंगे तो उसका मतलब क्या है? उसका सेंस कोई मतलब ही नहीं है। और फाइनल ईयर वाले का एग्जाम स्टार्ट करा दिए और एंड पीक पे कोरोना इंडिया में चल रहा है, उस विद्यालय से हम विषय को अवगत कराया कि हम परीक्षा प्रमोट करके छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए। हम स्टूडेंट के साथ हैं और छात्रों के लिए हम सड़क पर उतरने के लिए भी तैयार हैं और NSUI हर तरीके हर समय छात्रों के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। NSUI जिला अध्यक्ष दिनेश परियार, जोधपुर। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से खास रिपोर्ट।